सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रुचिका है, मैं गोवा से हूँ और मेरे परिवार में चार लोग हैं, मेरी बड़ी बहन, मैं और मेरे मम्मी पापा। तो कल जब मैं शाम को रात को बैठी थी और सोच रही थी कि पिछले 7 8 साल 6 7 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे, तो बहुत थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि एक कोई चीज़ नहीं थी जो मैं पिन पॉइंट कर पाई। तो मैंने सोचा कि पेपर ले लेती हूँ, पेन ले लेती हूँ और नोट डाउन करना शुरू कर देती हूँ। तो जैसे हम डायरी राइटिंग करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, वैसे मैंने कुछ लिखा है, मैं बस वो आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। लगभग सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं। आज वर्कशॉप के आखिरी दिन पर यह रियलाइज हुआ कि अगर यह सेशन लगभग 3 4 साल पहले मुझे मिला होता तो आज कितनी गलतियां करने से मैं बच जाती। रिश्ते तोड़ने से पहले 100 बार सोचती। सच, इन 7 दिनों में मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई, पर अफसोस नहीं है क्योंकि इन 7 दिनों में मैंने वह ज्ञान पा लिया जो शायद आज तक मुझे नहीं मिला। 7th या 8th तक हफ्ते में 2 बार वैल्यू एडुकेशन क्लासेस होती थी जो डांस या किसी म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए फ्री पीरियड घोषित की जाती थी। क्या करते, किसी ने फीलिंग्स, समझ, वॉन्ट्स, इस पे ध्यान देना जरूरी समझा ही नहीं। सुविधा, संवेदना, दूसरे व्यक्ति का मेरे प्रति भाव को पाना, यही सुख समझती थी। पर वर्कशॉप के दौरान सही समझ की समझ मुझे होनी शुरू हुई। मान लीजिए कि मैंने कुछ अच्छा किया तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरे दोस्त मेरी तारीफ करेंगे, माँ पापा, टीचर, सब लोग, यह सब सोचकर ही इतनी खुशी मिलती। पर फिर जब मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई, मैं टूट गई। एक्सपेक्टेशंस जो इतनी हाई थी, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती थी, मैं चिढ़ जाती थी, दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करती थी अपनी इरिटेशन के लिए। फिर एक दिन जब सर ने यह सवाल पूछा तो आंखें खुली। सवाल था, आर यू ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ द फ्रंट पर्सन और इज इट बिकॉज यू हैव मटीरियल विद इन यू टू गेट ट्रिगर्ड। मेरे बाकी दोस्तों की तरह मेरा फेवरेट टॉपिक भी रिलेशनशिप्स ही था, पर फेवरेट होते हुए भी मुझे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसमें 9 फीलिंग्स इंक्लूडेड होती हैं। हम सब जानते हैं आई लव यू की बरसात में खिले प्यार के फूल कैसे आई हेट यू की कड़ी धूप में मर जाते हैं, पर अब हम समझ चुके हैं कि आई लव यू नहीं, पर शायद आई ट्रस्ट यू से बात आगे बढ़े। ट्रस्ट, विश्वास, यही तो होता है दूसरे के इंटेंशंस पर क्लैरिटी होना। यही कंप्लेन होती थी मेरी भगवान से कि कोई मुझ पे विश्वास ही नहीं कर पाता। पर इस वर्कशॉप के दौरान पता चला कि विश्वास पाने में मैं इतनी मग्न हो गई कि खुद दूसरों पर विश्वास करना भूल गई, खुद के इंटेंशंस क्लियर करने में चूक गई। याद आ रहा है मुझे कैसे सीआईडी की तरह मैं हर एक व्यक्ति पर शक करती रही, कैसे मेरे अपनों को मैं पराया बनाते रही। कई सारे टर्म्स को जाना, अफेक्शन, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, लस्ट, एक ही फीलिंग के सिनोनिम समझती थी मैं। वर्कशॉप के दौरान फर्क जान पाई, यह भी जाना कि लव इज नॉट 1 to 1 बट 1 to everyone फीलिंग। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, यही मानती थी मैं। पर जब सर ने रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिव एंड गिव यह सुना, तब चीजें समझने में और आसानी हो गई। और अब फ्यूचर प्लान्स मेरे यही है कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ, पर सभी लोगों से मेरा एक संबंध है, यह मेरा जानना, ये मेरी एम है और दिस इज गोइंग टू फर्दर हेल्प मी टू बिकम अ बेटर डॉक्टर। और पर्सनली मेरा यही एम है कि मैं ज्यादा इमोशनली मच्योर हो जाऊं और ध्यान रखूंगी कि जो गलतियां मैंने पास्ट में की हैं वो मैं फिर से ना दोहराऊं। थैंक यू।